जैन सभी साथियों को, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है कि इंडियन नेवी ट्रेड्समैन का जिनका फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ है 3 फरवरी को, उनका एग्जाम रद्द कर दिया गया है। ये इंडियन नेवी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर आके आपको बताया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कोई भी हलचल होती है इंडियन नेवी तुरंत सबसे पहले आपको अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू इन्फॉर्मेशन देती है, और उन्होंने कुछ एग्जाम सेंटर्स का रद्द किया गया। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं आपको, पूरा एग्जाम 3 तारीख वाला रद्द होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। उसमें टेक्निकल इशू, बहुत सारे टेक्निकल इशू उसमें देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये उन्होंने ऑफिशियली आके बता दिया है। लेकिन इसमें जो दिया है, कुछ कुछ सेंटर का दिया है, वो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम आपका रद्द करने की बात उन्होंने कह दी है, उनको रिशेड्यूल कर दिया गया है। दोबारा से उनको 5 तारीख को रिशेड्यूल कर दिया गया है, 5 फरवरी को। उसके एडमिट कार्ड भी आपको दोबारा से जारी कर दिए जाएंगे, ये ऑफिशियल नोटिस है दोस्तों। देखो इसमें इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसमें आपको दिख भी रहा होगा, ड्यू टू टेक्निकल इशू द एग्जाम इन 8:45 से जो 10:15 तक था स्लॉट नंबर, ठीक है, स्लॉट ऑन 3 फरवरी 2024 आर रिशेड्यूल्ड टू 5 फरवरी 2024 इन फॉलोइंग सेंटर। कौन से सेंटर? 212, 267, 558, 102 और 113। यानी इन सेंटरों पर वो क्या कर दिया है, रिशेड्यूल्ड कर दिया गया है। इन सेंटरों पर जिन जिन का एग्ज़ाम है, तो प्लीज़ वो उनका एग्ज़ाम दोबारा से होगा, ये कंफर्म इन्फॉर्मेशन है। लेकिन जिनका अभी एग्ज़ाम है, जिनका 4 तारीख को एग्ज़ाम है, उनके लिए कोई भी अभी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि आपका 3 तारीख वाला जो एग्ज़ाम है, वो आपका दोबारा से होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, वो उनकी अच्छी बात है, जो नहीं दे पाए उनको दोबारा देने का मौका भी मिलेगा दोस्तों, ये कन्फर्म न्यूज़ है दोस्तों। ठीक है, और इसमें उन्होंने ये भी कर दिया है कि जो आपका अभी 3 तारीख का एग्ज़ाम है, उसका जो शिफ्ट है, उसका सेकंड शिफ्ट का जो वो एग्ज़ाम है, वो आपका 1:30 से स्टार्ट होने वाला है दोस्तों, ये भी उन्होंने बता दिया है। तो 212, 267 और 258, 102 और 113, ये आपके 4 से 5 सेंटर हैं जिनका एग्ज़ाम रिशेड्यूल्ड किया गया है। इंडियन नेवी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर आके इन्फॉर्मेशन दे दी है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों जिन जिन का एग्ज़ाम है अभी नेक्स्ट शिफ्ट में, वो इसके लिए भी प्रिपेयर रहे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपका 3 तारीख वाला पूरा डे का आपका रिशेड्यूल्ड होने की संभावना है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी आपको डरने वाली बात है नहीं। बैड न्यूज़ तो आपके लिए है, क्योंकि आप मेहनत करके गए, आपने एग्ज़ाम दिया, लेकिन किसी कारणवश नहीं दे पाए, तो उसका मलाल तो रहेगा आपको। लेकिन जिनकी जिनको अच्छा नहीं गया एग्ज़ाम, उनके लिए ये अच्छी इन्फॉर्मेशन भी होगी दोस्तों। ठीक है, गवर्नमेंट क्यों नहीं ले पाती, क्यों, क्या है, ये गवर्नमेंट के कुछ अपने कुछ मसले हो सकते हैं। लेकिन जो मैंने नोटिस था, वो नोटिस मैंने आपको बता दिया दोस्तों। ठीक है, अभी अभी जारी हुआ है, क्योंकि अभी अभी एग्ज़ाम हुआ है, उसके बाद ही उन्होंने तुरंत इतनी फास्ट एक्शन अगर इंडियन नेवी ले रही है, तो इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती दोस्तों। ठीक है, आपका एग्ज़ाम अभी आपका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है 10-11 बजे के समथिंग, और उसने तुरंत ही आपको इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर दे दी है। और इससे संबंधित जैसे ही नई इन्फॉर्मेशन आएगी, नई वीडियो में ला दूंगा। फिलहाल की इन्फॉर्मेशन ये है कि आपके एग्जाम रिशेड्यूल्ड कर दिया गया है 3 तारीख का। कुछ सेंटर जिनका नाम भी नंबर मैंने आपको बता दिया, जिनका 8:45 से एग्जाम था और 8:10-15 तक एग्जाम चलने वाला था, उसको रिशेड्यूल करके 5 फरवरी को कर दिया गया है। और सेंटरों के नंबर भी उसमें दे रखे हैं, 212, 267, 258, 102 और 113 सेंटर दिए गए हैं जिनका रिशेड्यूल किया गया है। जैसे ही इसकी कोई नई इन्फॉर्मेशन आएगी, मैं मिलता हूँ नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।